अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे और आप इसी तरह से खुश रहें, आबाद रहें और बहुत सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी हों। और जी आज की प्लानिंग हमारी ये है कि बस अब हमने नाश्ता करना है और बस फिर हमने निकलना है अपनी मामा की तरह। मैंने बस अब हम जल्दी जल्दी से अब नाश्ता करेंगे। और जी आज कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मेरे पास चिकन पड़ी हुई थी और मैंने कहा वो मैं स्लाइस लगा लूँ, मेयोनीज़ और केचप लगा के मैं अपना सैंडविच बना रही हूँ और बस हम नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे, तैयार होंगे। और चलिए अच्छा जी, और जो बच्चे हैं वो मेरे भी तैयार हो चुके हुए हैं और रेडी होकर कार में बैठ गए हुए हैं। अब बस उन्हें जाने की बहुत ज़्यादा खुशी है, एक्साइटमेंट में है कि बस अब निकले हम। और जी जनाब, हम निकल गए हैं। अब हमें भी बड़ी होती थी बचपन में, जब हम भी अपनी नानों के घर हमें जाना होता था, हम भी बड़े खुश हो रहे होते थे कि यार हम नानों के घर जा रहे हैं। और जी आप लोग भी बताइएगा कौन कौन ऐसा करता था क्योंकि बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनको जाना ही नहीं अच्छा लगता, उनको दिल करता है कि अपने घर में ही बैठे रहो यार, क्या जाना। अच्छा जी, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा भूलिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मेरी मिल सके। और जी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी लाजमी पूछिएगा। और यहाँ पे मैंने ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की थी और जी बस मैं वो देख रही हूँ। और ये माशाल्लाह मेरी प्यारी सी क्यू टू सी भांजी है से माशाल्लाह, और जी क्यूट सी एक्शन देखें इसके, माशाल्लाह से बड़े प्यारे प्यारे एक्शन है और कैसी कैसी बातें करती है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं और पता नहीं चलता कि कहाँ से इनकी बातें निकलती हैं। और जी बस बिलाल का है कि भाई मेरी तस्वीर मत लो, वो कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है। और जी बस आज जो बन रही थी मामा के घर में बिरयानी, मेरी बहन बना रही थी बिरयानी और साथ मतरंजन बना रही थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी मज़े की जो थी वो बिरयानी बनी थी। और सबको जो है बहुत सारी भूख लग चुकी हुई थी बिरयानी को देख देख के, उसकी खुशबू ले लेकर, और बस उनका दिल कर रहा था जल्दी से ये रेडी हो जाए और जो है हम इसको खाएँ। और सबसे अहम बात इसमें कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई थी ये बिरयानी। और मम्मा ने मुझे वापसी पे ना चावल दिए थे और वो सब के सब ना उन्होंने ही खा लिए मेरे लिए थोड़े से ही बचाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो मिर्चें हैं वो रेडी हो गई हैं, ये मम्मा ने मसाला डाल के अब लगाई इसमें भरी थी और ये बिरयानी की मिर्चें थी इसमें डाल दी हैं। मसाला भी बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल तीखी नहीं थी, मतलब जो होती है ना बिल्कुल मिर्चें जो मिर्च लगना शुरू हो जाती है वैसा नहीं था। और यहाँ पे जो हमारे मतरंजन हैं वो भी तैयार हो चुके हुए हैं और देखने में शक्ल इतनी प्यारी लग रही है और दिल कर अभी भी खा लूँ, निकल के आ जाएँ बाहर। और जी चलें बस अब हम खाना खाएंगे, हमारा खाना रेडी हो चुका हुआ है। और अगर आपको ये इसकी रेसिपीज चाहिए हो मतरंजन की और बिरयानी की तो मेरी बहन का चैनल है लग्जरी कुकिंग, और उसको लाइक करें शेयर करें और रेसिपीज़ देखें, उसमें कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी ये रेसिपी। बनाएं घर में, बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़े की थी और मैं भी ट्राई करूँगी। अच्छा जी, और बस अब हम खाना खाएंगे और फिर बस हम निकलेंगे, आप भी इंजॉय करें हमारा खाना। और जी बस अब हम निकल गए हैं, निकल चले हैं, क्या हो गया मेरी ज़बान को फिसल गई है। अच्छा जी, और जनाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी दिखाऊंगी कि मैंने जो ऑनलाइन शॉपिंग की है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरी दराज की शॉपिंग कैसी रही, अच्छी रही कि नहीं अच्छी रही, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। ठीक है जी, और यहाँ पर मामा ने जो वापसी में मुझे चावल दिए थे और जो कि मैंने सोने से पहले लाजमी दोनों खाए थोड़े थोड़े से, क्योंकि रहा नहीं जा रहा था मुझसे दोबारा। तो बस अब जो हम सोएंगे
और जी मुझे कौन कौन सब बताएं जिन जिनके साथ ऐसा होता है कि वो अपनी मामा के घर जाएं और वापसी में उनको खाना भी मिल जाए और वो पैक करवा कर भी ले आएँ। कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने जाए का इजहार कीजिएगा। और जी बस अब अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।